अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फिर में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान हमीद भट्ट। कल ही सोपोर से ये इतना मिली है कि वहां पे कई क्विंटल नकली खाद बरामद की गई जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने पकड़। आज सवेरे कुलगाम के लड़गू में 400 बोरिया नकली खाद पकड़ ली गई है। ये लोग चाहते हैं कि यहां की जो मैशत है वो खत्म हो जाए, वो कमजोर पड़ जाए। किसान लोग अपनी जमा पूंजी इस खेत में लगा लेते, बागों में लगा देते हैं, कर्जा चढ़ाते हैं अपने ऊपर, मगर जब फसल काटने के लिए जाते हैं वहां पे उनको फसल कम मिलती है, क्योंकि यहां पे खाद हो या कीड़े मारने वाली अद्वियात वो सब नकली मिलता है। ऐसे नकली दवा फरोशी को खाद फरोशी पे कदगन लगना जरूरी है। यहां पे लोग डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की तारीफें करते कि उन्होंने दो जगह पे कश्मीर में छापा डाला जहां से उन्होंने कई क्विंटल नकली खाद बरामद की, उसको जाया कर दिया। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी होगी, मगर यहां पे इनका जमीर देखिए, ये वही लोग हैं जो गरीबों के मुंह से निवाला छीनते। ऐसे लोगों की जगह इस कश्मीर में नहीं है, ऐसे लोगों को यहां से फेंक देना चाहिए। ये जमीन फरोश लोग बाकी लोगों की जिंदगी अजीरन बना देते हैं। अगर ऐसा ही रहा, ये लोग समाज में पलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये स्टेट पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। यहां का किसान यहां की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसी से यहां की मैशत चलती है। जब इसी पे कदगन हो लग जाएगा, जब ऐसे लोग समाज में पलते रहेंगे, तो ये स्टेट पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। छल कपट से कमाए हुए पैसों से ना तो सुकून मिलता है ना ही आराम। इससे सिर्फ यही होता है कि गरीब हर वक्त इसको बददुआएं देता रहता है। पहले से यहां का किसान, यहां का ग्रोवर कर्ज तले दबा हुआ है। इस माहौल से अब बाहर निकलना चाहते हैं। लोगों को चाहिए कि वो आगे आ जाए। अगर ऐसा कोई भी दवा फरोश या खाद फरोश कहीं पे भी है, उसको पकड़वा लीजिए, तभी आपकी मैशत आगे बढ़ेगी। आप इन पर रखिए नजरें। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।